मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ महमूदाबाद नाले का जो इख्तिताम होता है, जो कईमाबाद नाला भी इसे कहा जाता है, और यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हुआ था, लेकिन अब हमने जो काम देखा है कि इस नाले को, पहले ये नाला छोटा था, लेकिन अब इस नाले को बड़ा किया जा रहा है। यानी कि मशीनरी आपको नज़र आ रही है कि इस तरफ भी जो है जो तजावजात कायम थी उसको मसमार करके अब इस जगह को जो है वो बड़ा किया जा रहा है। और नॉर्मली ये जो कईमाबाद का नाला है, ये इसकी जो लंबाई है, जो इसकी जो चौड़ाई है, ये बहुत छोटी थी, लेकिन अब इसको बड़ा किया जा रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा कि इस नाले को, इसकी जो चौड़ाई है वो बेसिकली कम है, तो क्यों ना इसको, इसकी जो चौड़ाई है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इस वक्त जो है वो इसकी चौड़ाई को बढ़ाने का अमल जो है वो जारी है, और अतराफ में बाउंड्रीज़ लगाने का भी जो है वो सिलसिला जारी है। और साथ साथ जो महमूदाबाद पर जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, नाले पर जो तजावजात कायम थी उसको एक महीना हो चुका है, और उस एक महीने में क्या कुछ हुआ है आइए जानते हैं। कॉलोनी के अंदर की तरफ अगर हम आएँ तो आप देखें कि अतराफ में जो घर बनाए गए थे उन सब को तोड़ दिया गया है, यानी कि मसमार कर दिया गया है। और अब जो नाले के अतराफ 21 फिट की जो जगह चाहिए थी, वो जगह जो है वो अब क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपको कैमरामैन मेरे पीछे की तरफ दिखाएं कि बुलडोज़र जो है अपना काम कर रहा है, जो जगह मसमार कराई गई थी वहाँ पर जो मलबा है उसको उठाने का अमल भी साथ साथ जारी है। और हमने देखा था कि माजी में जिस तरीके से इन नालों पर 21 फिट की जो है वो जगहों को जो है वो उन्होंने अपने घरों को आगे बना लिए थे, फिर बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद जो है एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया महमूदाबाद में, अब भी ऑपरेशन जो है वो जारी है। जहाँ जहाँ जो जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने का सिलसिला जो है वो एक महीने से जारी है। और इस वक्त आप देखें कि पूरे महमूदाबाद पर आपको जगह जगह आपको मशीनरी नज़र आएंगी, कोई मशीनरी तो मसमार करने वाली नज़र आएगी, कोई मलबे को उठाने वाली मशीनरी आपको नज़र आएगी। तो ये पूरे महमूदाबाद पर एक महमूदाबाद क्लीन ऑपरेशन जिसे कहा जाए तो शायद बुरा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ आपका नाला है और दूसरी तरफ जो है आपके लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं। और आप देखें कि अतराफ में राइट साइड पर अगर आप देखें कि लोगों ने अपने घरों को बाहर निकाले हुए थे, और अब जो है वो घर मसमार कर दिए गए हैं, और मसमार करने के साथ साथ अब जो नाले के अतराफ में जगह नज़र आ रही है। अब जो यहाँ पर किसी दौर में माजी में सफाई नहीं होती थी, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि यहाँ पर जो है मशीनरी नहीं आती थी, लेकिन अब मशीनरी भी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ के नाले भी जो है वो सफाई के जो है वो काम शुरू कर दिए जाएंगे। इस वक्त मैं मंजूर कॉलोनी के अंदर मौजूद हूँ, और इतराफ़ की जो इमारतें हैं उसको मसमार कर दिया गया है, और साथ साथ मलबा उठाने का काम भी जारी है। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये जो ऑपरेशन है वो कहाँ कहाँ किया गया और कहाँ कहाँ होना बाकी है। जो आप इमारत देख रहे हैं वो यकीनन ये भी इनक्रोचमेंट का हिस्सा थी। और इसके साथ साथ अगर आपको ये बताएं कि इसके अलावा जो है इस पूरे नदी नाले के साथ साथ जो अतराफ में इनक्रोचमेंट का अमल जो है वो जारी था, लेकिन अब इंतज़ामिया की जानेब से जो काम किया जा रहा है वो यकीनन एक काबिल तारीफ़ अमल है। और इसके साथ साथ अगर आपको इनक्रोचमेंट के हवाले से बात करें, अगर नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा वो गुजर नाले की तरफ होगा, और इसके साथ साथ अतराफ की जो सड़कें हैं उनके ऊपर और नालों की सफाई का काम जो है वो मनसूबाबंदी की जा रही है, ताकि यहाँ की जो आबादी है उनको कोई किसी किस्म की कोई मुश्किलात पेश ना हो। क्योंकि बारिशों में हम देखते थे कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लोगों के घरों को जो है वो पानी यानी कि निकल आता था बाहर पानी,
लेकिन अब जो है इसके नालों की सफाई का काम भी जो है किया जाएगा ताकि यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ साथ ये भी बताएं कि बहुत से लोगों को जो है मुश्किलात का सामना दरपेश रहा, क्योंकि मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो केसेस दाखिल कर रखे थे, लोगों ने ये भी शिकायत दर्ज की कि हमारी जो बिल्डिंग है, हमारे जो घर हैं, उनको गैर कानूनी जो है मसमार किया जा रहा है, जिस पर हमने देखा कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है कुछ मुज़ाहमत का भी सामना रहा। लेकिन अब जो है वो इस ऑपरेशन को जो है वो किया जा रहा है। और साथ साथ आपको ये भी बताएं कि इसके अलावा ये पूरे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नालों की सफाई का काम कई दिहाइयों से नहीं हुआ, लेकिन अब इन तमाम नालों की सफाई का अमल जो है वो तेज़ किया जाएगा ताकि बारिशों में जो इन लोगों को अतराफ में जो मुश्किलात होती थी, मुस्तकबिल में ऐसी मुश्किलात इनको ना हो। तो आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद क्या कुछ। इस वक्त मैं महमूदाबाद 5 नंबर पर खड़ा हूं और आप देखें कि यहां पर जो है अतराफ में एक एक जगह जो होनी चाहिए थी नाले के अतराफ में वो नहीं थी, लेकिन अब जो ऑपरेशन हुआ है तो अब कुछ हद तक जो है हमें वो जो अतराफ में जगह हैं वो देखने को नज़र आ रही हैं, क्योंकि लोगों ने अपने घरों को नाले के साथ सिमत में खड़ा करके उन्होंने पूरे अपने घरों को तामीर कर दिया था। लेकिन जब बारिशें होती थी तो इन्हीं के घरों को जो है वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचता था, क्योंकि जब आपकी इंक्रोचमेंट होगी तो नाले से गुज़रने वाला पानी को अगर सफाई नहीं होगी तो वो पानी आपका निकल कर ऊपर आएगा और वो सबसे ज़्यादा नुकसान आपके घरों को पहुंचाएगा। लेकिन लोगों ने जो है कोई ख्याल नहीं किया और अपने घरों के साथ साथ आगे उन्होंने बाउंड्रीज लगाई और उन घरों को खड़ा कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने देखा कि उनके घरों को जो है मसमार करने का अमल शुरू कर दिया गया, क्योंकि ये सब गैर कानूनी थे और 21-21 फीट जो कि नाले के राइट साइड पे और नाले के लेफ्ट साइड पर जो है वो 21-21 फीट खाली होने थे। और जिस तरीके से हमने देखा कि शुरू में जब ऑपरेशन हुआ तो इंतज़ामिया को मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता जब उनके साथ मुज़ाकरात हुए और फिर उसके बाद जब उन्होंने लोगों ने अस्कुत जो है अपने घरों को खाली करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि अगर मशीनरी अगर घरों को मसमार करेगी तो पूरी पूरे घरों को बुनियाद जो है वो हिल जाएगी। तो लोगों ने अपनी मदद आप जब उन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं होने वाला, अदालतों से उनको स्टे भी नहीं मिला, हुक्म इतनाई भी नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि अब कोई रास्ता नहीं है, अब हमें अस्कुत जो है वो जगह को अपने पीछे करना होगा। फिर उसके बाद एक बड़ी सी तब्दीली देखने को नज़र आई महमूदाबाद में। अभी अगर आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है ये नाला है आपका, और ये नाले के अतराफ में जो जगह बनी हुई जा रही है, ये जगह जगह जो है वो आपके लोगों ने घर अपने बाहर निकाल लिए थे, लेकिन अब चूँकि लोगों ने अस्कुत लोगों ने घर 21 फीट खाली किए तो अब लाल निशान से ओके 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 यानी कि केएमसी की जानिब से ओके कर दिया गया है, यानी कि अब जो है आपने अपना काम कर दिया, अब सिर्फ केएमसी का काम होगा कि इन नालों की सफाई का काम करेंगे। तो ये एक बड़ी एक तब्दीली देखने को नज़र आई हमें महमूदाबाद में। और इसके अलावा साथ साथ हम देख रहे हैं कि केएमसी की गाड़ियाँ भी जो है यहाँ पर खड़ी हैं और अपना काम जो है जो जो मलबे का काम है, जो लोगों ने अपने घरों को जिस तरीके से हमने देखा कि अस्कुत तोड़े हैं, तो उनके जो मलबा है उनको उठाने का सिलसिला जो है वो गाड़ियां वक्तन फवक्तन कर रही है। तो ये एक महीने का ऑपरेशन है, इस पूरे ऑपरेशन को एक महीना लगा और अभी भी मुख्तलिफ जो मंजूर कॉलोनी और अंदर में महमूदाबाद के अंदर जहाँ जहाँ जो जो तजावजात हैं उसको मसमार करने का अमल जो है वो जारी है और इंतज़ामिया अपना काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हो रहा है। और आगे जो हम देख रहे हैं कि महमूदाबाद के बाद अब बारी आने वाली है गुज्जर नाले की, और ज़राए के मुताबिक केएमसी जो के जो इंक्रोचमेंट सेल है उनके मुताबिक महमूदाबाद के बाद जो है अब गुज्जर नाले की जितनी भी जो ज़मीन जो नाले के अतराफ में कायम कर दी गई, तजावजात कायम कर दिए गए, अब उनको गिराने का सिलसिला जो है वो बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। मंसूबाबंदी की जा रही है, गुज्जर नाले की बारी आने वाली है और फिर गुज्जर नाले के बाद मुख्तलिफ जितने भी नाले हैं जिन लोगों ने घरों को अपने तजावजात कायम किए हैं उसको गिराने का अमल जो है वो सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा, ताकि जब बारिशें होंगी तो हमारी बारिशों में जो है वो घरों में पानी दाखिल नहीं होगा, सड़कों पर पानी नहीं आएगा, बल्कि पानी जो है वो इन नालों से होता हुआ अपने आखिरी जहाँ पर गिरता है पानी वहाँ जाकर गिर जाएगा। तो बहरहाल ये एक अच्छी डेवलपमेंट है इदारों की जानिब से। और महमूदाबाद नाले के अतराफ़ में अगर आप ख़ुद भी विज़िट करें तो देखेंगे आप अंदर में कितने बुरे तरीके से जो इंक्रोचमेंट की गई थी, लेकिन अब इंतज़ामिया ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। और इसी तरीके से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।